ट्रैफिक पुलिस में तैनात इस सिपाही के रोने वाली तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये पुलिसकर्मी कितना बेबस और कितना लाचार है। इस पुलिसकर्मी ने तो अपना फर्ज निभाया था, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि खाकी का फर्ज और अर्दब सिर्फ गरीब और मजलूमों पर दिखाया जाता है, ना कि सत्ताधारी नेता पर। बस यहीं पर इनसे गलती हो गई। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये तस्वीरें उन्नाव जिले की हैं, जहां गांधीनगर तिराहे पर गाड़ी में हूटर बज रहा था। ट्रैफिक सिपाही ने तुरंत ही अपना फर्ज निभाते हुए उसका फोटो खींच लिया। बस फिर क्या था, कार में सवार बीजेपी विधायक के रिश्तेदार ने उल्टा सिपाही को दबोच लिया। दरअसल कार में बैठे लोगों ने अपने आप को भाजपा विधायक आशुतोष शुक्ला का रिश्तेदार बताया और हंगामा शुरू कर दिया। चालान करेंगे मेरी ड्यूटी। बीजेपी विधायक के रिश्तेदार ने बीच चौराहे पर ही सिपाही को जमकर हड़काया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। मतलब ये समझ लीजिए, यहाँ भगोने से ज्यादा चम्मच आवाज करने लगा। बीजेपी नेता ने सिपाही से कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, चल कोतवाली बंद कराता हूँ, नहीं तो डीएम से बात करता हूँ। और तो और, विधायक का रिश्तेदार सिपाही को खुद ही उल्टा कोतवाली लेकर चला गया। तुम चलो कोतवाली, तुमको मैं बंद इसके बाद जब सभी लोग कोतवाली में पहुंचे तो बीजेपी नेता ने एक बार फिर पुलिस अधिकारियों को अर्दब में लेने की कोशिश की। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता के दबाव में कोतवाल ने सिपाही को ही डांट दिया, जिसके बाद सिपाही ने कोतवाली में रोना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में ट्रैफिक सिपाही की कोई गलती नहीं थी, बावजूद इसके उसके साथ बदसलूकी की गई, जिस पर वो फूट फूट कर रोया है। वहीं भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने सिपाही का ये वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया के समंदर में तैरने लगा। यानी ये जमकर अभी तक वायरल हो रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर क्या कार्यवाही होती है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप यूट्यूब पर इस खबर से रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।